ओके तो आई नो टाइटल थोड़ा अजीब है टाइटल में मैं किसी और का नाम डाल सकता था बट आई एम नॉट से दैट इट्स डन बाय यूट्यूब और बाय वो तो मैंने रैंडमली डाल दिया जिससे यू नो मोस्ट पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ यू ऑल विल क्लिक ठीक है एंड जो मैं बोलने वाला हूँ वो एक्सपेक्टेड तो था ही आई के नॉट से इट वॉज एंड एक्सपेक्टेड आई मीन इतने सारे प्यूडीपाई के वीडियोस देखे हैं जिसमें उसकी वीडियोस डिलीट हो जाती है एंड डीमोनाटाइज हो जाती है एंड यू नो अब वो पक्की वाली फीलिंग आ रही है जो उसको खुद को फील होता होगा आई फील लाइक विद इन द बिग लीग्स नाउ यूट्यूब इज टेकिंग माई चैनल सीरियसली आई मीन आई कान बी मोर हैप्पी एंड प्राउड दैट आई हैव हिट हंड्रेड थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब बट जैसे ही ये हुआ पिछले एक हफ्ते में मेरी दो वीडियोज़ हट चुकी हैं फ्रॉम यूट्यूब एंड दीज आर बिग वीडियोज़ वन वॉज़ फेम हाउस एंड अनदर वन वॉज अ वीडियो दैट आई मेड मैनी मंथ्स अगो विच वॉज ऑन वकार सका तो दैट्स वट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो ये वीडियो पहली नहीं हटाई थी फेम हाउस जब मैंने अपलोड की थी uh, अब मैन्युअली इस पर कॉपी राइट आ गया एंड उसको हटा दिया आफ्टर गेटिंग टू हंड्रेड थाउजेंड व्यूज लाइक मुझे प्रॉब्लम नहीं होता कि तुम उस पर क्लेम कर लेते जैसे हम किसी की म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो लोग उस पर एडसेंस का जो पैसा आता है वो क्लेम कर लेते हैं बट इसमें अब ये व्यूएबल view भी नहीं है वीडियो आई डोंट थिंक यू काज कैन फाइंड द वीडियो एनी मोर जो मैंने फ्रीम हाउस पर बनाई थी एंड आई एम एक्चुअली नॉट एट होम राइट नाउ मैं डेली में हूँ बहुत ही हेक्टिक टाइम में यहाँ पे आया हूँ मेरे एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे थे फ्रॉम फिफ्थ एंड मैं सिक्स को यहाँ आ गया तो मैंने एक्चुअली यहाँ से ही बैठ के तीन एग्ज़ाम्स दिए कैसे ना कैसे करके दे दिए ठीक है आई I मीन mean, शोर शराबा होते रहता है बिकॉज सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं आई वॉज़ राइटिंग समथिंग जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है आई आई एल कम टू दैट लेटर ठीक है Uh, मैं सुबह उठा अपने अलार्म से उठ गया एज़ यूजल अराउंड ट्वेल्व ओ क्लॉक और समथिंग एंड तब मुझे दिखा था कि पंद्रह मिनट पहले एक मेल आया है कि वीडियो मैन्युअली किसी ने हटा दी है फेम हाउस वाली एंड इफ यू सी अभी भी बहुत सारे लोगों की वीडियो है uh, जो कि मिलियंस पार कर चुकी है uh, और उनकी वीडियो नहीं हटाई गई है जबकि जो फुटेज उसमें यूज़ हुई थी दैट इज़ द सेम दिस इज वॉट सिमिलरली हैपन्ड विथ मी ड्यूरिंग द उर्वशी वाला सीन जिसमें मैंने उर्वशी पे वीडियो बनाई थी वो भी उसकी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो अवेलेबल था उसी पे रिएक्ट किया था एंड सिर्फ मेरी वीडियो हटी थी बाकी सबकी वीडियो तब तक है तो अब दिक्कत यही है कि मल्टीपल लोग सिमिलर चीज़ कर ले पर मैं वो लड़का हूँ जिसे टीचर पहले पॉइंट आउट करके पकड़ता है एंड आई मीन चाहे स्कूल से बाकी सारे बच्चे जो जो भी कर ले जब मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं तब उसमें पहला थप्पड़ मुझे ही पड़ता है <laughs> ये तो हो गई फेम हाउस वाली बात अब बात है वकार जगह पे इसका जो मुझे ईमेल आया वो मेरे लिए उतना बड़ा सरप्राइज़ uh, नहीं था क्योंकि मुझे मल्टीपल मेल्स आ चुके थे रिगार्डिंग द वकार का वीडियो जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक किए जबकि मैंने जो वीडियो पे रिएक्ट किया था वो ऑलरेडी था पब्लिक प्लेटफॉर्म वाज ऑलरेडी आउट देयर उसका एक हेडफोन शो था जो उसने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था एंड ही वॉज़ टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन और सम क्रिप्टो करेंसी बट उस चक्कर में उसने uh, एक लड़की को लाइव सेशन पे बुलाया था जिसमें ही सैड अ लॉट ऑफ क्रीपी थिंग्स जो मैंने बस पॉइंट आउट की मतलब मैंने वो देखते डिसाइड कर लिया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आई फेड लाइक दिस इज़ समथिंग नॉट ये रूटीन लाइव पॉडकास्ट शो जैसा नहीं है दिस इज समथिंग वेरी क्रीपी जो मुझे बना देना चाहिए हमने उस पर काफ़ी क्रिंज किया था बट मैंने उसकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की मैंने उस लड़की का फेस भी ब्लर कर दिया आफ्टर अ पॉइंट बिकॉज आई अंडरस्टूड कि मे बी उसकी आइडेंटिटी कुड अ प्रॉब्लम बट मुझे मल्टीपल टाइम प्राइवेसी नोटिस आए पूरा वीडियो क्लेम करते हुए मतलब जिसमें मैं जिस पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ वो भी क्लेम कर रहे थे तो उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब तुम ये बकवास लाइव पे जाके कर सकते हो बट अगर किसी ने उसको पॉइंट आउट कर दिया तो तुम्हें इशू हो जाती है पूरी वीडियो कैसे क्लेम कर सकता है यार तो तुम तुम ही थे क्या मतलब पूरी वीडियो में तुम ही थे मैं तो बात ही नहीं कर रहा था क्या रीअपलोड किया था क्या तुम्हारा वीडियो मैंने सी नाउ आई रियली अंडरस्टैंड वाई लॉड ऑफ कॉमेंट्री यूट्यूबर्स आर स्टक मेकिंग द सेम थिंग्स ओवर एंड अगेन वही ही टिकटॉक रोस्ट बार 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 बनाते बिकॉज दैट इज ईजियर फॉर देम टू मेक एंड वैसा कॉन्टेंट बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाता है एंड उस पर कोई प्रॉ ईशूज नहीं होते हैं कंपेरेटिवली एंड लोगों को पसंद भी आ जाता है दिस इज़ वाई मोस्ट ऑफ द काउंट्री यूट्यूबर्स आर डूइंग टिक टॉक रोस्ट सबके टाइटल में वही रहता है और मैं जाके यहाँ डू अलग शोज ढूंढता हूँ अलग चीज़ें ढूंढता हूँ जिसमें मैं यूनिक हो सके कुछ मतलब तो ये बात है कि कुछ नया ट्राई करो तो वीडियो हट जाएगी जैसी पीपल नोटिस दैट दिस गाय इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट वो लोग तुम पे बाउंस करने के लिए रेडी रहेंगे <laughs> और यूट्यूब को भी कुछ बोल नहीं सकते इसलिए मैंने टाइटल में यूट्यूब नहीं डाला कि यूट्यूब ने वीडियो हटा दिया कुछ अब तो YouTube वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे हाय हाय गाइस हंड्रेड के हो गए ना आई नो आप अब तो आप देख रहे होंगे प्लीज मेरी वीडियो मत हटाओ प्लीज माफ़ कर दो भाई वकार जका की तो पब्लिक वीडियो थी उसके घर जाके प्राइवेट इन्फो फोटो लीक नहीं की थी मैंने और आई डोंट नो व्हाट टू डू आई जी टी वी पर डाल दूंगा फेम हाउस वाली वकार जगह वाली लेट्स सी मेंबरशिप्स ले लो यार बहुत नुकसान हो रहा है हंड्रेड के हेट होते ही चार दिन में दो वीडियो हट गए बट द नेक्स्ट थिंग दैट इज दैट आई एम कमिंग अप विथ इज गोट बी ह्यूज स्टे यून फॉर इट आई एम नो गो बैक टू मुंबई सून एंड कुछ कुछ बड़ा आने वाला है समथिंग यू नेवर सीन ऑन दिस चैनल बिफोर समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम आई फ्रॉम वट आई यूजली मेक ओह मैं बोलना भूल गया इट्स अ नॉर्थ इंडियन बॉय साइनिंग ऑफ